ऑन साइड वॉल्स ऑफ अ रेंडम शेप्ड वेसल। देखो एक चीज इसमें इमेजिन करो, आपके पास एक कंटेनर है जिसकी इस टाइप से शेप है, राइट? ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड है। आप सोचेंगे ये पता नहीं क्या, ये क्या ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ किया हुआ है। बता देता हूं कि जैसे आपके पास अगर ये एक कंटेनर है, ये लो, ये एक कंटेनर है सच दैट जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो इस दीवार पे, इसकी वॉल पे क्या लगाएगा? फोर्स। और वो फोर्स हमेशा क्या लगती है? परपेंडिकुलर। लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो लिक्विड परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा किस पे? वॉल ऑफ कंटेनर। तो वॉल ऑफ कंटेनर बदले में लिक्विड के ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ठीक? तो ऐसी हर मॉलिक्यूल ने वॉल पे, वॉल ने लिक्विड पे, वॉल पे, वॉल ने लिक्विड पे, वॉल पे, वॉल पे लिक्विड ने, इस तरीके से फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर आप मॉलिक्यूल्स की फोर्स की बात करते हो, जो मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये लो, ठीक है? यहां तक मतलब मैं वॉल्स पे क्या फोर्स लगी उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड इसमें हूं, सिर्फ दो मिनट के लिए मिटा रहा हूं दिखाने के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे क्या फोर्स लगी, जो वॉल ने लगाई, ये फोर्सेस लगी। अब लिक्विड कंटेनर में तो रेस्ट पे पड़ा ही रहता है, ये तो है नहीं कि उछलता रहता है, पानी डाला कंटेनर में उछलना स्टार्ट हो गया, ये तो होता नहीं, रेस्ट पे ही रहता है। क्यों रेस्ट पे रहता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? क्योंकि सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कैंसल। और वर्टिकल फोर्सेस भी क्या कर रही होंगी? कैंसल। तो वर्टिकल फोर्स में अगर ये एन, जो एन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, ये एन अगर टोटल नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, ऐसे इस एन का ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, इस एन का ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, इस लिक्विड का टोटल वेट कितना है? एम जी। और फ्लोर पे लिक्विड अगर फोर्स लगाएगा तो बदले में क्या मिलेगा इसे? नॉर्मल रिएक्शन, टोटल एन वन। तो क्योंकि ये सारी फोर्सेस वर्टिकल, एन वी प्लस 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 एन वी, इसको लिखा जाता है सिग्मा ऑफ एन वी, सिग्मा एन वी। सिग्मा एन वी का मतलब है समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन एन वन भी कहां है? ऊपर की तरफ, क्योंकि पानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये फ्लोर पानी के ऊपर ही फोर्स लगाएगा एन वन, और साथ में वेट कहां पर है? नीचे। तो अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो कैंसिल कर जाती हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो पानी ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में तो रहता ही है। यानी कि नीचे की फोर्स कितनी है? एम जी मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेज, ऊपर की फोर्सेज में समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज एन वी प्लस एन वन। तो एन वन प्लस समेशन ऑफ एन वी इज इक्वल टू वेट एम जी। क्या पॉइंट क्लियर है? इक्विलिब्रियम हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दीवार कितनी फोर्स लगा रही है मॉलिक्यूल्स पे, ये बताओ। ये फोर्स लगा रही है विच विल बी इक्वल टू व्हाट? एम जी माइनस एन वन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। और बॉटम पे प्रेशर क्या लगेगा? आज हमने डिस्कस किया, अगर एच अमाउंट ऑफ वॉटर है तो एच रो जी प्रेशर लगेगा बॉटम पे। प्रेशर इंटू एरिया ए है बेस का, प्रेशर इंटू एरिया क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन यानी कि फोर्स। तो ये वर्टिकल फोर्सेस आ गई जो कि वॉल मॉलिक्यूल्स पे लगाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट वर्टिकल फोर्सेस, क्लियर है यहां तक? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे इसका इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक? तो आपने क्या किया? पहले वर्टिकल फोर्सेस ली, आपने फोर्सेस के कंपोनेंट लिए, नॉर्मल रिएक्शंस के कंपोनेंट लिए, सारे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ है और वेट नीचे की तरफ है, तो दोनों को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया और वर्टिकल फोर्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक? हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ और वर्टिकल फोर्सेस, क्लियर है? उसी तरीके से अगर कंटेनर की शेप ऐसी ना होती, अगर कंटेनर की शेप ऐसी होती, ये लो, तो अब क्या हो जाता? ये देखो, अब अगर कंटेनर की शेप नीचे की तरफ है, ऐसी नहीं है, तो देखो ये एरिया कम है और ये वाला एरिया ज्यादा है, ठीक? अब क्या होगा इसमें? अब
जो लिक्विड है वो ऐसे फोर्स लगाएगा वॉल के ऊपर, तो वॉल लिक्विड के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो वॉल के ऊपर ऐसे फोर्स है, लिक्विड के ऊपर ऐसे फोर्स है, तो लिक्विड की फोर्सेस अब अपवर्ड की बजाय कहाँ आ रही हैं, डाउनवर्ड आ रही हैं। पहले कंटेनर ऐसा था तो फोर्सेस कैसी थी, ऊपर की तरफ थी, अब कंटेनर नीचे की तरफ है तो फोर्सेस नीचे की तरफ, तो फर्क समझ में आ रहा है दोनों डायग्राम्स में। तो क्योंकि मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ इन नॉर्मल फोर्सेज में कि जो मॉलिक्यूल्स पे लगी, तो इसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स हैं और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स हैं, ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट एंड सो ऑन। तो फिर से एक बार हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसल, पर इस बार समेशन ऑफ एनवी कहाँ करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो लिक्विड का वेट कितना है एमजी और बेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है N1। तो आप देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन N1 कहाँ है, ऊपर, समेशन ऑफ एनवी कहाँ है सबका, नीचे, और वेट भी कहाँ है, नीचे। तो इक्विलिब्रियम में है लिक्विड, तो N1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एनवी प्लस एमजी, समेशन ऑफ एनवी क्या होगा, N1 माइनस एमजी, और नॉर्मल रिएक्शन बेस पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना है एच रो जी इंटू एरिया। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तो हाउ टू कैलकुलेट दीज फोर्सेस समझ में आ रहा है। अब सपोज करो अगर आपका कंटेनर ऐसा ना होते हुए रैंडम शेप ऐसा है, मटका टाइप है, तो वो भी सिमेट्री में नहीं है, ये नहीं है कि ऊपर से और नीचे से सेम है, ठीक, अब क्या होगा, देखो एक बार, देखो क्या किया इसमें, तो इसमें अब दो केसेस हो सकते हैं। अब देखो जो तो पोर्शन इस तरीके से है, ध्यान से देखो, अगर तो पोर्शन इस तरीके से है तो लिक्विड वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएगा तो वॉल ऐसे फोर्स लगाएगी, तो नेट फोर्स मॉलिक्यूल पे नीचे है, लेकिन इस केस में नेट फोर्स ऊपर है, तो इस पोर्शन के नीचे वाले हिस्से में नेट फोर्स ऊपर है और इसमें नीचे है, तो इसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट कहां जाएंगे, नीचे नीचे नीचे, इसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट कहां जाएंगे, ऊपर 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 और ऊपर, राइट। तो अब ये नहीं कह सकते कि वर्टिकल फोर्सेस एनवी 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 नीचे की या ऊपर की, इनमें से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, अगर तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे सिमिट्री होती तो एनवी एनवी को क्या कर जाता, कैंसिल, पर मुझे नहीं पता कि अब कौन सा वर्टिकल फोर्स बड़ी है, तो या तो एनवी का नेट ऊपर के एनवी और नीचे के एनवी माइनस करके या तो नेट एनवी ऊपर आता है या नेट एनवी नीचे आता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो कैंसिल करेंगी करेंगी। तो अगर मान लो पहला केस है, अगर मान लेते हैं कि नेट एनवी ऊपर आता है, तो फिर ऊपर की नेट एनवी ऊपर ले लेते हैं, वेट इस लिक्विड का नीचे और बेस पे नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर है, तो इक्विलिब्रियम में क्या बनेगा, ऊपर की फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, तो यहां से सिग्मा एनवी कैन बी कैलकुलेटेड, तो सिग्मा ऑफ एनवी कैन बी कैलकुलेटेड। और N1 की वैल्यू अगर पुट करनी है तो वही तरीका है एच रो जी इंटू एरिया, लेकिन अगर सपोज करो टोटल नेट एनवी डाउनवर्ड्स है, तो अगर एम जी नीचे है, नेट एनवी डाउनवर्ड्स है, N1 ऊपर है, N1 तो ऊपर है, तो एम जी प्लस नेट एनवी इज इक्वल टू N1, तो नेट एनवी क्या होगा, N1 माइनस एम जी, और N1 क्या होगा, एच रो जी इंटू एरिया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी और वॉल कितनी फोर्स लगाता है लिक्विड के ऊपर, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसी तरीके से आपको एज्यूम करके वॉल्स की फोर्सेस को निकालना है। एक क्वेश्चन है मैंने लिख दिया था, और इसमें क्या यूज होते हैं, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, जो मैंने अभी करवाया नहीं, तो इस क्वेश्चन को
आर्कमिडीज प्रिंसिपल के बात करेंगे। तो ये